अस्सलामुअलैकुम, स्वागत करते हैं, वेलकम श्रोमती आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्ट्रेस में। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, आप सुनेंगे चुमुन होंगे। मैं प्रकाश कदरत नमस्कार अफान, और आप लोग क्रिकेट लेकर आए बीसीसीआई स्लैब पीसीबी पाकिस्तानी स्टार्टेड क्राइम। यस यस यस, ये तो वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है। वॉच करने से पहले हमारे चैनल वालों को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। अगर अगर मैं सोशल पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, स्टार्ट भारत को तो खबर चाहिए होती है हमारे खिलाफ। राम राम बोलेंगे, पाकिस्तान को पहलेंगे। इतनी सी बात होती पिंक को रेड और रेड को मैरून करके वो पेश करते हैं हेडलाइंस में। आखिर क्यों पाकिस्तानियों से ये पूरी दुनिया परेशान है? क्योंकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान को बहुत मन था कि भारत खेले, मगर बदकिस्मती देखिए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आ रहे तो क्यों नहीं आ रहे? बीसीसीआई के फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा पीसीबी, लेकिन दिल के अरमान दिल ही में रह गए। टीम इंडिया के पाकिस्तान ना जाने पर आईसीजे जाने का बड़ा फैसला लिया गया है। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। भारत की तरफ से बहिष्कार किया गया था बीसीसीआई की तरफ से, यानी पाकिस्तान जाकर के मैच ना खेलने की बात कही गई, और इसी को लेकर के पता था पहले से नहीं जाएंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अजीब लोग है ना ये। हाँ भाई हाँ, भारत तो आईसीसी का चेयरमैन भी जैसा है। आईसीसी को आईसीसी ने ईमेल भेजी पीसीबी को, अब पीसीबी जो है वो थोड़ा सा तिलमिला गया है कि मना कैसे कर सकते हैं, ये मना कैसे कर सकते, क्यों नहीं आ रहे, वजूहात बताओ। इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए नहीं गई तो पाकिस्तान आइंदा कभी इंडिया से कोई मैच नहीं खेलेगा। हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सर, पाकिस्तान ने चेतावनी दे दी है, ये धमकी दे डाली है इंडिया को पाकिस्तान ने। पाकिस्तान को दुबई जाना पड़ेगा, वहां सारे मैच होंगे। देखिए, ये इंडिया जो है ना कंप्लीट चाहता है कि पाकिस्तान की ग्लोबल आइसोलेशन हो। सो इंडिया हैज मेड इट क्लियर कि हमने पाकिस्तान से क्लियर था, लेबल करना है। ऑफिशियल हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे। कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। पहले बोला उस समय बड़ा हरभजन सिंह को पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं, जैसे ऐसा लोगों ने वीडियो बनाई थी और ऐसा कह रही हूं कि एक धमकी लगा दी तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रही है, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया भी दुबई जाता है, वेस्ट इंडीज भी दुबई, और भी जो जो मुल्क हैं इसमें सारे अगर दुबई पहुंच गए तो पाकिस्तान की बात तो खत्म हो गई। जो पाकिस्तान इतनी कोशिशें कर रहा है, इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करने में कामयाब हो गया। ठीक है, अगर आपको याद हो तो भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीता था। भारत की शानदार जीत को पाकिस्तानी लोग सेलिब्रेशन तो करने से रहे। हाँ भाई हाँ। क्योंकि भारत की जीत के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा मुल्क जला था वो था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के मीडिया में वर्ल्ड कप को छोड़कर चैंपियन ट्रॉफी की बातें होने लगी। ठीक है, और पूरा पाकिस्तान मीडिया सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी पे बात कर रहा था, कैसे कराएंगे, क्या होगा, भारत आएगा, ये आएगा, नहीं आएगा। इसके ऊपर मैंने भी बहुत वीडियो बनाए थे, मैंने तब भी कहा था भारत किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान नहीं जाएगा। तब भी ये पाकिस्तानी बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, प्लानिंग चल रही थी, लेकिन फाइनली बीसीसीआई ने पाकिस्तान के मुंह पे करारा चाटा रसीद कर दिया, क्योंकि ये भावना 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की है। बाकी के जितने ऊपर के करोड़ बच रहे हैं वो तो चाहते हैं कि पाकिस्तान जाए टीम, समझ जाओ किनकी बातें हो रही है। समझ गया। अब पाकिस्तान की ऐसी हालत हो गई, ना तो इन पाकिस्तानियों को निगले बनता है ना उगले बनता है, गली के कुत्ते बन के रह गई है। क्योंकि भारत अगर चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान नहीं जाएगा तो पाकिस्तान के रिवेन्यू का होगा जबरदस्त लॉस, ना ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। पहले ही पीसीबी भूखा नंगा दिवालिया है, अरबों रुपए इन्होंने स्टेडियम बनाने में लगा दिए, और वैसे भी इनके स्टेडियम में कोई मैच देखने आता नहीं है। सुनते जाइए, पीसीबी वालों ने 50 रुपए का टिकट रख दिया था टेस्ट मैच में, तब भी कोई नहीं आया था पूछने के लिए। ये खंगाली का हाल तो इनके पीसीबी बोर्ड का है, और चैलेंज किसको कर रहे हैं, भारत को, और बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल कोर्ट में जाएंगे। यार, इतने बेवकूफों में जैसी बातें कैसे कर सकते हैं ये? इनको ये नहीं पता कि दुनिया के क्रिकेट को बीसीसीआई चला रहा है। पूरे संसार में अगर क्रिकेट से 100 रुपए की कमाई होती ना तो 80 रुपए बीसीसीआई कमा के दे। चैलेंज किसको कर रहे हैं, बीसीसीआई को। अगर आप पाकिस्तान मीडिया को देखेंगे, इनकी मेन स्ट्रीम मीडिया को, तो 24 घंटे सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बात हो रही है कि भारत ने आने से मना कर दिया और चूड़िया तोड़े जा रहे हैं। इसी टॉपिक पे हिंदुस्तानी तो ले रहे आनंद और पाकिस्तानी के मना रहे मातम। बड़ा फेमस इंटरव्यू था। अच्छा। पाकिस्तानी पैनल पे उन्होंने इंडियन क्रिकेटर, जो हमारे इंडियन फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर है हरभजन सिंह को इनवाइट करा था, और हरभजन सिंह ने यही बात बोली थी कि भाई हम नहीं आ रहे वहां पे, हम नहीं आएंगे। राइट, कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, लेकिन उन्होंने यही बात बोली थी कि इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी। तो उस समय बड़ा हरभजन सिंह को
पाकिस्तानियों ने क्रिटिसाइज करा और बोला कि नहीं ये आदमी तो ऐसे ही बोल रहा है और ऐसा वैसा दुनिया भर की चीजें उन्होंने सोशल मीडिया पे हरभजन सिंह को उल्टी सीधी बात बोली। बात यह है कि हरभजन सिंह ने वही बात हिंदी में बोली जो आज की तारीख में बीसीसीआई ने आईसीसी को और आईसीसी ने पीसीबी को इंग्लिश में बोली। हरभजन सिंह ने भी वही बात ईमेल तक भेजी है। हरभजन सिंह ने एग्जैक्टली वही चीज बोली। देखिए ही वॉज डिस्कसिंग पॉलिसी। हरभजन सिंह जो कह रहे थे वो पॉलिसी की बात कर रहे थे। वो अपना अपनी पॉइंट ऑफ व्यू का ऐसा नहीं कि मैं हरभजन सिंह ये कह रहा हूं कि इंडियन नहीं, ही वो सेइंग कि यार गवर्नमेंट की बीसीसीआई की सबकी पॉलिसी है और ये पॉलिसी मैं आपके सामने रख रहा हूं नहीं आई। yes. नहीं हरभजन सिंह तो नहीं चाहते कि क्रिकेट हो। यार मेरे हरभजन सिंह के जय शाह के कोहली के रोहित शर्मा के हम सब लोग देखो मैं तो फिर भी एक यू नो आई एम नॉट रिलेटेड टू क्रिकेट। किसी के चाहने ना चाहने से क्या होता है इसमें यार। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। बात हरभजन सिंह ने बोली कि नहीं जाएंगे। अब इन्होंने हरभजन सिंह को बना दिया विलेन कि भाई साहब यही आदमी है कलेश की जड़, यही आदमी है जो गलत बोल रहा है। गलत नहीं बोल रहा था, सही बोल रहा था। एनीवे तो इंडिया ने मना कर दिया और पाकिस्तान ने अब बोला है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में लेकर हम इंडिया को जाएंगे, यानी कि कोर्ट कचहरी हो जाएगी इसके ऊपर। पाकिस्तानियों के दो तीन पॉइंट हैं जो पाकिस्तानी अक्सर बोलते हैं, मैं उन पॉइंटों को भी वन बाय वन जरा डिमोलिश कर दूं, खत्म कर दूं उन पॉइंट्स को। मैं जानता हूं कि पाकिस्तानी फिर वो बात नहीं समझ पाएंगे क्योंकि जैसे बच्चा होता है ना वो लॉलीपॉप के पीछे पड़ जाता है। अब वो पड़ जाता है, बच्चे को बोलो कि नहीं बेटा तुम्हारे दांत सड़ जाएंगे, ये हो जाएगा, बच्चा मानता नहीं है। जिद्दी होते हैं बच्चे, जिद्दी होते हैं। तो पाकिस्तान भी एक ऐसा ही बच्चा है जो कि नालायक है, निकम्मा है, नकारा है और जिद्दी भी है। दोस्तों देखिए सबसे पहली चीज, पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि जो भारत है वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी हो, एस्टैब्लिश हो, पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो बुलंदियों पे जाए, इसलिए भारत ऐसे काम करके यानी कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे ये साजिश कर रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों से, 1992 में वर्ल्ड कप किसने जीता था? 1992 में आप लोग वर्ल्ड कप जीत कर आए थे कि नहीं? इमरान खान जब कैप्टन थे, क्या वो भारत की मेहरबानी से जीता था? सोचिएगा, पाकिस्तानियों में आपसे बात कर रहा हूं, क्या भारत ने कोई मेहरबानी करी थी इसलिए आप जीते थे? नहीं, आप अपनी मेहनत से जीते थे। और सबसे बड़ी बात, आपका कैप्टन ऐसा था कि कैप्टन ले आया वर्ल्ड कप, उसको तो आपने जेल में डाल दिया। अगर कोई बात नहीं, वो आपके मुल्क की हिस्ट्री ऐसी है कि जो आपके लिए सबसे बड़ा बेवकूफ वो पाकिस्तानी है जो पाकिस्तानियों का भला करने की कोशिश करे। कह रहा हूं सबसे बड़ी गलती करी सबसे बड़ा जुर्म इमरान खान ने करा, वो ये नहीं है जो तोशा खाना और ये खाना और फलाना ढिमका इद्दत का केस और ये सब दुनिया भर का, नहीं ये सब केस फालतू के हैं। सबसे बड़ा केस इमरान खान के ऊपर ये होना चाहिए कि तुमने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी इसलिए तुम जेल में हो। जिसने पाकिस्तान का भला करने की कोशिश करी उसका बुरा ही हुआ, उसका कभी भला नहीं हुआ। बायकॉट प्रोसीड्स, मतलब प्रोसीड्स क्या, वो तो कह दिया उन्होंने बायकॉट ही हुआ, उन्होंने तो कह दिया नहीं जाएगी टीम। लेकिन हो सकता है वो ये कह रहे हो कि अभी हम ये कह रहे हैं कि अगर तुम क्रिकेट खेलने के लिए तुम टीम को नहीं भेज रहे तो ऑफिशियली तुम्हारी तरफ से कोई नहीं हुआ, तो अगर तुमने ये ऑफिशियली हमें बताया तो हम तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है ना वो कह रहे हो कि एक धमकी लगा दी तो हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट का हाय हाय ये तो हमें इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जा रहे हैं, अब क्या होगा भाई, अब तो टीम को भेजना ही पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक, आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा? चले आगे बढ़ते हैं। ओके सहेती, ये सब कुछ नहीं होगा। तो ये थी वीडियो जो कि वही चैंपियंस ट्रॉफी, वही ईमेल, इंडियन मीडिया, मीडिया तो नहीं, अब तो ऑफिशियली भी उन्होंने कह दिया कि नहीं जाना है। वैसे तो तब अच्छा इस तरह भी नहीं बोला उन्होंने कि न्यूज़ पे आया हो, इन्होंने ट्वीट किया हो, ईमेल भेजिए आईसीसी को, आईसीसी ने पाकिस्तान को भेजिए कि भाई इंडिया नहीं आ रही आप लोग अपना। तो अब वही है ना, आईसीसी ये जो है वो हमारे जो कहते हैं कि ना सीख जलिए ना कबाब ना कबाब, तो इन लोगों का वही सीन है ना कि मतलब बात जो है आईसीसी से करवाया, आईसीसी को आगे किया कि भाई आप कह दो इन भाई साहब का भी तो अब चेयरमैन वो जयशाह है भाई। तो यही तो जलन हो रही है ना कि अब जयशाह भी चेयरमैन हो गए और अब वही है सब कुछ आता है। देखो ये नहीं कि अगर चेयरमैन वो था या ना था तभी आईसीसी ने इंडियन बोर्ड की जो है बात माननी थी और यही सब कुछ होना था, क्योंकि वो कहते हैं वो एक चीज मैं कहूँ ना, बीसीसीआई के पास बहुत सारे पैसे हैं, वो आईसीसी को बहुत सारे पैसे देते हैं। अब वो उसी दम पे ये कहते हैं कि भाई साहब जो हम चाहेंगे हम चाहेंगे वही होगा भाई, ये तो सब क्लियरली पता है। अब कुछ लोग इधर उधर ले जा रहे हैं, बीसीसीआई कहता है हम चाहे फुल इज्जत,
हम जो बोलेंगे ऊपर भाई सबसे फुल इज्जत चाहिए उनको, और जो कहते हैं जो कहते हैं वही करना पड़ेगा इसी को। और ये जो इंडिया के ना आने की जो बातें थी, तो हम लोग तब से करते आ रहे थे जब इंडिया में जो है वो पता नहीं कौन सा कप हो रहा था, वर्ल्ड कप हो रहा था, वनडे का वर्ल्ड कप हो रहा था, तो तब से हम बोलते आ रहा है उस सेलिब्रेशन से पहले भी। और भी ठीक है, इंडिया नहीं यार, इन लोगों में दम नहीं है कि इंडिया के बगैर भाई कराओ, तब पता चलेगा। ब्रॉडकास्टिंग नहीं मिलेगी आपको, पैसे नहीं मिलेगी, लेकिन नुकसान उठाओ, अपने साथ बचाओ कर सकते हो, लेकिन नहीं कर सकते हो आप। हाइब्रिड मॉडल हो लेकिन इंडिया हो, इंडिया तो ये दम होनी चाहिए थोड़ा बहुत, इज्जत भी एक चीज होती है, लेकिन इन लोगों की तो है ही नहीं, इनको फर्क नहीं पड़ता। बाकी देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जब 25 आएगी तब शायद कहीं और हो। साउथ अफ्रीका ने भी तो ये कहा है कि आप हमारे यहाँ कराओ, तो देखते हैं क्या होता है, क्या होता है। बाकी अगर पसंद आए प्लीज प्रोजेक्ट नंबर मॉनिटर्स उसान में जो पहले कहने उसे भी दबा दीजिए। नाइस, तो ये करें तुम पसंद के सपोर्ट मिल रहा है। स्वामी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।